यूपी के कौशाम्बी में कुर्सी पर बैठने पर एक दलित एएनएम की पिटाई की गई है। आरोप है कि छुआछूत के प्रचलन के चलते सहकर्मी एएनएम ने दलित एएनएम की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित एएनएम की शिकायत के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। दलित एएनएम के साथ भेदभाव और मारपीट का यह मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज का है। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी समाज में छुआछूत और भेदभाव का प्रचलन अभी भी खत्म नहीं हो पाया। ऐसा ही मामला कौशाम्बी जिले से भी सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक वो पोलियो ड्यूटी कर अस्पताल पहुंची थी, कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी सहकर्मी एएनएम ने उस पर छुआछूत और भेदभाव का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर डाली। कौशाम्बी के सरकारी अस्पताल में भेदभाव के शिकार दलित एएनएम ने मामले की शिकायत पीएचसी प्रभारी मूरतगंज और थाना कोखराज पुलिस से की है। एएनएम ने खुद का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है। यहाँ कुर्सी पे आके बैठती तो वो मेरी जो सहकर्मी है कृतिका, वो बोली तुम यहाँ मतलब ऐसी है तो क्यों यहाँ आके बैठ गई। इस बात पे मुझे उसने मारा और मेरे साथ बदतमीजी की और कहा कि तुम यहाँ पे बैठ कैसे गई है, तुम ऐसी है, तेरी औकात क्या है यहाँ बैठने की। बीनू द्वारा जो है एनम, उनके द्वारा ये शिकायत दी गई है। इस संबंध में जो है श्रीमती श्रीमणी आर्य स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को, एक महिला अधिकारी हैं, उनको जो है ये जांच दी गई है। मुझे सूचना मिली है कि एक महिला एएनएम ने दूसरी एएनएम पे आरोप लगाया है कि उसको दलित होने के नाते कुर्सी से उठा दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तत्काल मामले का संज्ञान लिया गया है, सीओ को मौके पे भेजा गया है कि वो वस्तु स्थिति का पता चले कि क्या है। संवाद 365 के लिए कौशाम्बी से नितिन अग्रहारी की रिपोर्ट।